भैया हम लोग बहराइच वाले लोकल डेमो ट्रेन में बैठ चुके हैं, चार दोस्त कहाँ हैं। और क्योंकि घूमने से हमारी ट्रेन छूट गई थी तो उसके बाद हमने बस की रोडवेज रोडवेज से लखनऊ आए। लखनऊ में डेढ़ बजे ट्रेन थी वो भी छूट चुकी है, लेकिन फिर यहाँ से 3 बजे की हमें ट्रेन मिली है बरेली के लिए और बहुत ही ज़्यादा लेट है। देखो सुबह कितने 7:20 पहुँचाने को दिखा रहा टाइम, लेकिन देखो कितने बजे पहुँचाती है देखते हैं। 2000 years later मैं जाने कौन कौन नाम दे रखा उड़ा कोड़ा। फैनवा कहीं नहीं चल रहा है। पांडे जी कैसा लगा आपको ये सफर? ऐसा सपन हमने कभी जिंदगी में नहीं किया होगा। अच्छा जो ये मेरा आज पहला सफर था उस हिसाब से 100% अच्छा है। ये फंस गया सी है। ये बताओ लेट कहाँ से शुरू होना हुए तो अमित कहाँ पहुँचे? पहले अभी मजा आएगा ना भिड़ो उस पे हम FIR करेंगे डेमो पे। कौन सी डेमो? कहाँ की डेमो? वहाँ बहराइच से। हाँ फिर कितने मिनट की लेट होगी तुम्हारी? वो हमारी हो गई केवल 4 मिनट लेट हुई है, लेकिन एक तरीके से 34 मिनट लेट हुई है उनकी। तो क्या बोला तूने? तो भैया जी आप क्या कहना चाहते हैं इस माहौल में? आप हम यही कहना चाहते हैं कि ट्रेन को रुकवा दिया जाए। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। क्यों मैदान तेज लगी है? हाँ ये कर लो, पहले बड़े लोग हैं पहले ऐसे करते होंगे। मुझे लैटिन बहुत जोर से आई। अरे तो साले जब माफ करना, मैं इधर उससे मैं इधर उधर निकल जाऊँ। और दिक्कत इस बात की है ससुरों ने अभी तक हमको एक चादर ओढ़ने को ना दी, अपने पास से मांग घूम के ओढ़ा जा रहा है चादर। इसके लिए हमें कंप्लेन करना है कि चादर की व्यवस्था नहीं, चादर की व्यवस्था यहाँ पे चारों डिब्बे में भी चादर दिया जाए। मोबाइल लगाए तो भैया हम लोग पहुँच चुके हैं बरेली। हम 4 जने पुराने बस स्टैंड की तरफ जाते हुए बरेली में तो अब हम यहां से निकल रहे हैं रुद्रपुर और ये इसका स्टेशन। ये है मेरा दोस्त जो कि कंबल ओढ़े हुए है, बहुत ही ज़्यादा ठंड से इसकी पिटाई पड़ी हुई है, ठंड ने इसको बहुत मारा है। ये है पूरा एकदम सन्नाटा है पूरे स्टेशन पे। खाने के लिए यहाँ पे ज़्यादा कुछ है नहीं, जो कि हमें सिर्फ पेटीज ली है इस दुकान से जो हमारे पीछे ये है, बाकी यहाँ ज़्यादा कुछ है नहीं। चलिए मिलते हैं अपना में, रात की ट्रेन है 11:25 की, तब तक के लिए टेक केयर। वाओ वेरी डेंजरस। 2000 years later तो
फाइनली गाइस हम पहुंच चुके हैं अपने अपने घर। मेरे फ्रेंड जो भी थे तीन लोग वो भी सही सलामत अपने घर पहुंच गए हैं और मैं भी अपने घर पे आ चुका हूं। बाकी जो हमारा सफ़र था वो आप तो व्लॉग में देख ही चुके हैं और सफ़र काफ़ी पेचीदा भी हो गया था रास्ते में, क्या ही बताएं। हम जहाँ अपने काम से गए थे इंटरव्यू के लिए वहाँ भी थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई थी, लेकिन अब सब कुछ ठीक है। बाकी हम सब लोग सही सलामत अपने घर पहुँच गए हैं और आपने हमारा वीडियो देखा, होप कि आपने एंजॉय किया होगा। बाकी ये मेरा फर्स्ट ब्लॉग था तो मुझे भी ज़्यादा पता नहीं किस तरह बना था या किस तरह बनना चाहिए। और बाकी आप हेल्प करिएगा, कमेंट करिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और हमारा ये चैनल सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू, तब तक के लिए ख्याल रखिएगा अपना। बाय बाय।